पुरुष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोदाबाग में कौशल एवं रोजगार पंचायत संभाग स्तरीय रोजगार मेले का हुआ आयोजन। 1427 युवाओं ने लिया भाग, 406 का हुआ चयन। सरकार की मंशा है कि कोई भी युवक युवती बेरोजगार न रह पाए, जिसको देखते हुए लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। जिला प्रशासन, रोजगार निर्माण बोर्ड और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से आयोजित रोजगार मेले में 1427 युवाओं का पंजीयन किया गया, जिसमें से 406 युवाओं का अलग अलग कंपनियों में चयन हुआ। सबसे ज़्यादा इंदौर की कंपनी यशस्वी केडवी फॉर स्किल्स ने आईटीआई के 215 युवाओं का टेक्नीशियन के पद पर चयन किया। इसी तरह ऑपरेटिंग इंजीनियरिंग के पद पर गुजरात की सुजुकी मोटर्स कंपनी ने 43 युवाओं को चयनित किया। इसी तरह विभिन्न कंपनियों को मिलाकर 406 युवाओं का चयन उनकी योग्यता अनुसार हुआ, जिन्हें उनके पद के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। आज का ये जो कौशल एवं रोजगार पंचायत 2018 के तहत आज का ये संभाग स्तरीय मेला है, जिसमें रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली के जो ऐसे बच्चे जो आईटीआई पास हैं, ये इस बार स्पेसिफिक रखा गया है, जो आईटीआई पास बच्चे हैं उनके लिए रखा गया है। और इसमें जो है लगभग 9 कंपनियां आई हैं, जिसमें आपका सुजुकी मोटर्स गुजरात, यशस्वी अकेडमी फॉर स्किल इंदौर, एलएनटी, श्रीराम क्रिस्टन एंड रिंग्स, जगदम्बा स्टील मुंबई, आरडी रेफ्रिजरेशन, बिरला वीटीएल फैक्ट्री और विंध टेलीलिंक्स तथा सीकेएस कंसल्टेंसी चेन्नई से। और ये ऐसे बच्चों को खासतौर से इसमें आईटीआई के जितने ट्रेड हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर, सर्वेयर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इससे रिलेटेड जो भी बच्चे हैं जो पास आउट हैं या जो जिन्होंने अभी जुलाई 2018 में जो परीक्षा देके पास करेंगे, ऐसे सभी बच्चों के लिए ये चयन की प्रक्रिया अभी जारी है। लगभग अभी तक जो है 800 बच्चों का पंजीयन हो चुका है और ये 4 बजे तक हो प्रक्रिया चलेगी। इसमें जो भी पात्र बच्चे हैं, अगर वो आते हैं, भाग लेते हैं, तो उनका चयन होगा। इसमें कुछ कंपनियों द्वारा लिखित परीक्षा ली जा रही है और कुछ के द्वारा साक्षात्कार की परीक्षा के आधार पर चयन किया जा रहा है।